सावधान, अगर आप पहाड़ों में हैं, और असावधान हम आपको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहाड़ी राज्यों में आने वाले कुछ ही दिनों में आफत भरे दिन साबित हो सकते हैं। हालांकि मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भारी बारिश की आशंकाएं जाहिर की हैं, लेकिन खतरा पहाड़ी राज्यों में ज्यादा है क्योंकि वहां पर लैंडस्लाइड का दौर शुरू हो चुका है। सावधान, अगर आप पहाड़ों में हैं। दरक रहे हैं पहाड़, कांप रहे इंसान। लैंडस्लाइड का डेंजर सीजन ऑन। बारिश का कहर, सिस्टम सरेंडर। आधा हिंदुस्तान आसमानी आफत की चपेट में है और अब मौसम विभाग ने जो आशंका जाहिर की है उससे तो यही साफ हो रहा है कि आने वाले दिनों में मॉनसून का कहर और तेज होगा। पहाड़ी इलाकों में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ आसमान से आफत बरस रही है तो वहीं इसी बारिश के चलते पहाड़ कांप रहे हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो रही है तो कहीं बादल फट रहे हैं। लैंडस्लाइड की सबसे ज्यादा दहशत उत्तराखंड में है क्योंकि यहां अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के कुमाऊं, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और गढ़वाल के साथ साथ चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 8 तारीख से लेकर 10 तारीख की बात करें, 3 दिन, तो इसमें एक्टिव मानसून रहेगा। तो एक्टिव मानसून से कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जो रेनफॉल एक्टिविटी वो सामान्य से डे टू डे में सामान्य से करीब 1.5 गुना से लेकर 4 गुना तक बारिश होती है तो उसको एक्टिव मानसून कंडीशन कहा जाता है। मौसम के हालात को देखते हुए प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ साथ इन तमाम इलाकों में सुरक्षा के इंतजामों को भी पुख्ता किया गया है। लोग हैं, सबको सूचित किया जा रहा है कि काफी बारिश हो रही है पहाड़ों पे, बरसात काफी हो रही है, नदी के आसपास कोई भी ना जाए। इधर हिमाचल में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में अब तक बारिश ने जमकर कहर मचाया है, लिहाजा मौसम विभाग ने 10 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिमाचल में अब तक बारिश से 45 सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, बिजली व्यवस्था बाधित हुई है, साथ ही अब तक 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति प्रभावित हुई है। मॉनसून के शुरुआती दिनों में ये देखा गया था जिस तरह से नुकसान कई स्थानों पर हो गया है, तो वहीं अगर बात करें अभी फिलहाल की तो इस वक्त 45 सड़कें प्रदेश की बंद हैं और अगर पूरे मॉनसून की बात करें तो 300 करोड़ के आसपास में नुकसान प्रदेश को संपत्ति का हो चुका है। इस दौरान कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं तो कई जो घर हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं। पहाड़ी इलाकों के अलावा देश के दक्षिणी राज्यों में भी बारिश लोगों की मुसीबतों में जमकर इजाफा कर रही है। कर्नाटक के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बारिश का ये मंजर कर्नाटक के मंगलुरु के दक्षिण कन्नड़ इलाके का है जहां पर कई इलाकों में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में भी परेशानी का सबब बना हुआ है। इसके साथ ही लोगों के खेत खलिहान भी पानी पानी नजर आ रहे हैं। भारी बारिश का असर अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ा है। मौसम के हालात को देखते हुए फिलहाल यात्रा रोकी गई है। यात्रा आज सस्पेंड है इंक्लीमेंट वेदर की वजह से, क्योंकि मुसलसल बारिशें हो रही है आज सुबह से ही। फिलहाल आज सस्पेंड किया गया है वेदर के मद्देनजर रखते हुए। अभी कमिंग डेज में भी इंक्लीमेंट वेदर का फोरकास्ट हमारा कंटिन्यू है। इधर राजधानी दिल्ली में भी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के कई इलाकों में बीती रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है।
मौसम विभाग ने आज के लिए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार में भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और मधेपुरा में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का पूर्वानुमान मध्य प्रदेश के 6 जिलों के लिए भी जारी किया है। साथ ही 25 जिलों को लेकर भी आशंका जताई गई है कि यहां पर बारिश का दौर फिलहाल थमने के आसार नहीं है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि आधे हिंदुस्तान में अब बारिश का कहर जमकर टूटने वाला है और अब मानसून पूरे शबाब के साथ लोगों की परेशानी में इजाफा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।